कैथल जिले की कलायत विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर किसान नेता अजीत चहल ने दावा किया है। अजीत चहल बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। 2016 से अजीत चहल कैथल जिला किसान मोर्चा की प्रधान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हरियाणा का कलायत कस्बा अपने ऐतिहासिक ईंटों के मंदिर के लिए जाना जाता है। पूरे कलायत क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। कलायत से कभी भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीत सका है। अजीत चहल ने दावा किया कि इस बार कलायत से कमल खिलना तय है। आइए जरा अजीत चहल की बातचीत सुन ले। उसका कमल का फूल जो भी साथी लेकर आएगा, तो कमल का फूल मिलना है, जो भी साथी लेकर आएगा सब साथी उसके साथ मिलकर काम करने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें दावेदार हूँ। मैंने अपनी दावेदारी पार्टी में जता दी है और पार्टी ने जो फैसला करना है, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा हम सब उसके साथ मिलकर कार्य करने का। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें कमल का फूल कोई भी लेकर आए, मैंने भी आपको कहा है, सब उसका सहयोग करेंगे। तन मन धन से उसका सहयोग करने का कार्य करते हैं। संगठित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी। किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, उसी का सब सहयोग करेंगे। मैं बाल्यकाल से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, 1989 से स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी में 2016 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का कैथल जिला का अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। तो उसके बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना संगठन का जो कार्य है उसको करने का कार्य करता हूँ। मैं जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक शक्ति केंद्र खरक पांडवा है उसका शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ और अपने बूथ का मैं पन्ना प्रमुख का कार्य भी करता हूँ। तो सर्वे में जो व्यक्ति पार्टी के संगठित सिपाही हैं और संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से उनका सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे में जो व्यक्ति आगे आएगा उनको भारतीय जनता पार्टी और संगठन का फैसला है। कोर कमेटी बैठती है, यूँ तो सबके नाम लगभग पैनल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मुझे विश्वास है उसमें मैं भी हूँ। और कलायत के विकास के लिए कलायत में बहुत से विकास होने की जरूरत है। अभी पानी की तकरीबन हर गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या को नंबर एक पर मैं, तो पानी की जो समस्या हर गांव में पीने के पानी की, मेरा प्राथमिकता पर पहला यह कार्य रहेगा। और दूसरा जो है कलायत में जो अहिला कॉलेज बनाया सरकारी, उसमें भी पिछली बार आपको ध्यान में होगा उसमें भी मैंने घोषणा पहले की थी सरकार की, लेकिन उसमें कुछ कागजी अड़चने पैदा थी, कमेटी की ओर से थी या जो भी, उसमें वो लगातार 15 दिन घूम के मैंने पूरा करवाने का कार्य किया। और इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि एक कॉलेज, सरकारी कॉलेज राजौंद क्षेत्र में भी हो, इस तरह की मेरी इच्छा, ताकि पूरे विधानसभा में लड़कियों को, लड़कों को शिक्षा के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। और भारतीय जो अपना तालाबों का है, सौंदर्यीकरण का है, चाहे उसका जल संरक्षण का, हर तरीके से तालाबों की साफ सफाई का है, वो तो सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में है और ये सब इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पार्टी का महासंपर्क अभियान 11 से और 15 सितंबर तक चला हुआ है। व्यक्ति हर पदाधिकारी अपने अपने बूथ पर, शक्ति केंद्र पर सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को इस प्रदेश में नौकरी देने का कार्य किया। कलायत विधानसभा में इस बार जो एमपी का चुनाव हुआ है, इस बार 36,380 वोटों से एमपी के चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा में कलायत से कमल खिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है विधानसभा चुनाव में अब तक नहीं खिला है। इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हम कलायत से कमल का फूल जो भी लेकर आएगा, हम कमल का फूल कलायत में खिलाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कलायत से भाजपा की संभावनाओं के बारे में भी दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।